नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। सभी पार्टियों के प्रबल दावेदार चुनावी रण के मैदान में अपनी तैयारियों के साथ आ चुके हैं। प्रत्याशी अपने विकास के एजेंडे को लेकर घर घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सीतापुर के लहरपुर सीट अहम मानी जा रही है, जिस पर हाजी जावेद किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भूलकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हाजी जावेद को जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। पूरे लहरपुर नगर पालिका क्षेत्र में हर गली मोहल्ला और सभी चौराहे पर एक ही चर्चा हो रही है। अगर लहरपुर का चौमुखी विकास कराना है तो हाजी जावेद को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाना है। हाजी जावेद जब डोर टू डोर संपर्क करने के लिए घर से निकले तो जनता स्वागत करने के लिए पलके बिछाए इंतजार करती दिखी। हाजी जावेद भी लोगों की मसीहा बनकर मदद करते हैं। हाजी जावेद ने घोषणा करते हुए कहा कि नगर पालिका में नाली, खड़ंजा, आवास, रोजगार और शिक्षा के साथ गरीब लड़कियों को 10-10 हजार रुपए देने का वादा करता हूं। जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है उनको आवास देने का वादा करता हूं। पूरे नगर पालिका में चौमुखी विकास करेंगे तभी जनता के बीच में आएंगे। डोर टू डोर वर्क पे निकला हुआ हूँ। कुछ ऐसे 5 कार्य हैं जो आप करेंगे जो अभी तक नहीं हो पाए? शिक्षा के क्षेत्र में सफाई, स्वच्छ पीने लायक जल और खेल, लड़कों को खेलकूद, महिलाओं, बारात घर, महिलाओं बनवाने का काम करूँगा। नौजवानों के लिए खेलकूद का मैदान भी दूंगा। गरीब बच्चियों को 10 हजार रुपए शादी में अनुदान भी दूंगा। गरीबों को जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता है उनको अपने पास से, अपने संसाधन से रहने लायक। 2 वर्षों से अपनी बाइक पे एक बंदे को बैठा के क्षेत्र का भ्रमण 24 घंटे करता रहता हूँ। गरीब भी है, अमीर भी है, लेकिन जो मोहब्बत मुझे लहरपुर की जनता पिछले 10 सालों से दे रही है वो आपको सीतापुर में किसी भी नगर में किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिला होगा। कितनी वोटों से विजय हासिल करेंगे आप? रिकॉर्ड मोहम्मद से सीतापुरी नहीं हो सकता है उत्तर प्रदेश में, लहरपुर में इस बार रिकॉर्ड इतिहास लिखा जाएगा।